नमस्कार, मैं अंकित कुमार और आप देख रहे हैं मुजफ्फरपुर नाउ। भाजपा नेता और मुजफ्फरपुर के सांसद अजय निषाद आजकल अपने बयानों को लेकर चर्चा में हैं। लेकिन ये जो न्यूसेंस सारा क्रिएट हुआ तबलीगी जमात के कारण कि तो वहीं अब मुजफ्फरपुर सांसद अजय निषाद का नया बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि अल्पसंख्यक समुदाय के धर्मगुरु बच्चों के कोमल मन और हृदय में कट्टरपंथ की भावना भर देते हैं और फिर अपने हिसाब से उनका इस्तेमाल करते हैं। मदरसे में पढ़कर निकलने वाले लोग हिंदू मुस्लिम के तर्ज पर लड़ाई करने को आमादा होते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि देश पहले है फिर हम सभी, इसके लिए आवश्यक है कि वन नेशन वन एजुकेशन के फॉर्मूले को लागू किया जाए और इसके लिए वह सरकार से भी मांग कर रहे हैं। आइए हम आपको सुनाते हैं कि मुजफ्फरपुर सांसद अजय निषाद के बयानों पर विरोध जताते हुए कांग्रेस जिलाध्यक्ष अरविंद कुमार मुकुल ने क्या कहा है। मुजफ्फरपुर के सांसद अजय निषाद जी के द्वारा प्रेस वार्ता में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से जो बोल रहे हैं कि वन नेशन वन एजुकेशन, किसी धर्म के बारे में कि शिक्षा की कमी है और कांग्रेस पार्टी ने शिक्षा को बढ़ावा नहीं दिया है, तो हम उनको बताना चाहते हैं कि उनके संसदीय क्षेत्र में कांग्रेस नेता के द्वारा जो कॉलेज और स्कूल की स्थापना की गई है वो हम बता दे रहे हैं कि श्री कृष्ण मेडिकल कॉलेज हमारे कांग्रेस नेता के द्वारा स्थापित किया गया है। बिजनेस मैनेजमेंट ललित नारायण मिश्रा बिजनेस मैनेजमेंट कॉलेज कांग्रेस नेता के द्वारा स्थापित किया गया है और जगन्नाथ मिश्रा कॉलेज, रामेश्वर सिंह कॉलेज, नितेश्वर सिंह कॉलेज, कई कॉलेज हैं, हेमो वैशाली मैनेजमेंट कॉलेज, हेमोपैथिक कॉलेज, लॉ कॉलेज, कई ऐसी संस्थाएं हैं जो हमारे कांग्रेस नेताओं के द्वारा स्थापित किया गया, जो आज भी लोग वही पढ़ाई कर रहे हैं। लेकिन सांसद महोदय जो इधर उधर की बात में जनता को बरगलाना चाह रहे हैं, हम पूछा जाता है कि आपके पिताजी 3 टर्म रहे हैं सांसद यहाँ से और 2 टर्म से आप हैं, आप कई गो स्कूल कॉलेज खुलवाए हैं, कई गो में आपका योगदान रहा है, आप जो है कि अपने विकास में विफल रहे हैं और इसको छुपाने के लिए आप इधर उधर भटकाना चाह रहे हैं जनता। मुजफ्फरपुर नाउ की खास रिपोर्ट में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप हमें हमारे फेसबुक के पेज पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक के पेज को लाइक करें, फॉलो करें और अगर आप हमें हमारे यूट्यूब के चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब के भी चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही मुजफ्फरपुर और आसपास की सभी खबरों से अवगत रहने के लिए आप गूगल के प्ले स्टोर से हमारे मुजफ्फरपुर नाउ की एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर सकते हैं। नमस्कार।